केंद्र सरकार के विरोध में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नालंदा जिले के अस्थावा, बिहार शरीफ और रहुई प्रखंड में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया। दरअसल जदयू के द्वारा तय कार्यक्रम के तहत भाजपा की नीतियों का पोल खोल करने के लिए प्रखंड स्तर तक जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मार्च का आयोजन किया गया। अस्थावा में जदयू प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद और रहुई में प्रखंड अध्यक्ष राकेश मुखिया की अगुवाई में यह मार्च निकाला गया। वहीं अस्थावा प्रखंड क्षेत्र में आयोजित सतर्कता एवं जागरूकता मार्च में अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने भी हिस्सा लिया। विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि आज भाजपा महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने का काम रही है। इस साजिश को पर्दाफाश करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा यह जागरूकता रैली निकाली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को सच्चाई बताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में लोगों को भड़काने के साथ सद्भावना एवं भाईचारे को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर लोगों से वोट ठगने का काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी बचने और सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैनर और हाथ में झंडा लिए हुए उत्साही जदयू कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। कुछ भी नहीं, केवल लोगों को भ्रम फैलाकर, भाजपा का काम है भ्रम फैलाकर, वैमनस्यता डालकर वोट लेने का काम करती है और फिर चुनाव के बाद बेरोजगारों को, महंगाई को, युवाओं को, किसानों को, यहाँ के नागरिकों को छोड़ देती है चौराहे पे। यही हालत है। तो इसी के खिलाफ में हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने आंदोलन छेड़ा है, सच्चाई बताया है लोगों को कि भी भाजपा की जो सरकार है वो केवल ठगने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है, धर्म के आड़ में लोगों को बहकाने का काम करती है, सद्भावना को समाप्त करती है, भाईचारा को समाप्त करती है और केवल धर्म के उन्माद में वोट लेने का काम करती है। तो ऐसे लोगों से, भाजपा से बचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, महागठबंधन नेता, जो अभी जो घटना घटा, अमित शाह जो बिहार आए और बिहार आने के क्रम में पूर्णिया में जो उन्होंने अपना भाषण दिया, उस भाषण के विरोध में हम लोग पार्टी के निर्देश पर एक दिवसीय मार्च निकाले हैं। अमित शाह जी को आगाह करते हैं कि जो बिहार में आकर जिस तरह का बात बोल के गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, वो हम लोग को बर्दाश्त से बाहर की बात है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पूरे बिहार में एकजुटता लाएंगे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। चरम पर उनके द्वारा जो चुनावी एजेंडा हुआ करता था, मैनिफेस्टो में था कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 200 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने एक भी काम पर सफल होने का काम नहीं किया। आदरणीय नेता श्री प्रधानमंत्री जी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो वादा किया गया था, एक भी वादा उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं भी कुछ लाया नहीं गया है। महंगाई चरम पर है, इसलिए हम उनका, भाजपा को, हम लोग महागठबंधन जदयू के तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार में, पूरे देश में घूम घूम कर उनका विरोध कर रहे हैं कि हमारे